जी प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप परेशान ना हो और जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आप लोगों ने इश्यूएंस ऑफ शेयर से 32,000 रुपीज लिखे हैं। जी सर। ओके, मेरे मुताबिक आप सारे सोर्सेज ऑफ फंड लिख चुके हैं। 32 नहीं, 35,000। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास स्टॉक डिविडेंड 15,000 है। बिल्कुल सही बोल रही हो अरीशा, शुक्र है तुमने बोल दिया। तो तुम्हारे पास स्टॉक डिविडेंड 15 है, तो तुमने 50 में से 15 माइनस करके 35,000 लिखा और इन दोनों ने 32,000 लिखा। एग्री? ये आपकी आवाज नहीं। अच्छा अब आ जाएगी, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ। अब आ रही है। अच्छा सुनो मेरा बेटा, ये वो स्टेप है जहां अरीशा का जवाब अब आप दोनों से मैच होने लगेगा, क्योंकि आप दोनों ने लेस किया, सॉरी आप दोनों ने इश्यूएंस ऑफ शेयर लिखा 32,000, अरीशा ने लिखा 35,000। अब आप टोटल सोर्सेज ऑफ फंड दोनों मैच कर लें, तीनों मैच कर लें, अब सबके टोटल सोर्सेज ऑफ फंड सेम है, बोलें कितने? आज ही बताने। अरे 1,44,000। और अरीशा के पास भी यही होगा यकीनन। रिश्मा एक यस सर, 1,44,000। रिश्मा आपके पास भी यही है मेरा बेटा? यस सर। ओके, यूजेस ऑफ फंड में पहला नाम बोलें कोई भी। कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड, एक्सीलेंट। कैश डिविडेंड 25,000। दूसरा नाम बोलें। बॉन्ड पेबल। नहीं, बॉन्ड पेबल उसमें ऊपर से देखती हुई आया करें तो फिर कोई भी चीज रहेगी नहीं, ऊपर से देखती हुई आए। एक्रोड एक्सपेंस। नहीं मेरा बेटा, परचेज ऑफ मशीनरी ऊपर से देखते हुए। 60,000। हाँ, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000। उसके बाद बॉन्ड पेबल। पूरा बोलो क्या लिखा? सिर्फ बॉन्ड पेबल लिख लिया। पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेबल 10% बॉन्ड पेबल 70,000। यस सर। बस मेरे मुताबिक और कुछ भी नहीं है, ऐड करके टोटल 1,55,000। ये यूजेस है और सोर्सेस कितनी थी? 1,44,000। तो बस डिफरेंस बताओ 11,000। 11,000। अब इस 11,000 का नाम 11,000 का नाम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रखना है या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? डिक्रीज। ले भाई, एक इंक्रीज बोल दिया, एक डिक्रीज। सर डिक्रीज होगा ना? कैसे? ये हमारे पास पैसे आते हैं 1,44,000, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं 1,55,000, तो 11,000 का डिक्रीज हो गया हमें। बिल्कुल सही जवाब है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। सही है? यस सर। तो जो इंक्रीज कह रहा था अब वो इंक्रीज नहीं कह रहा, सही? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तीनों के पास क्वेश्चन टैली भी हो गया है। अब आप, मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ, आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि उसमें क्या क्या काम आप करेंगी घर पे। कल आप इसका फंड स्टेटमेंट लाजमी बना के रख लीजिएगा, मैं वेरीफाई करवाऊंगा। और हो सकता है मुझे मजीद चीजें बतानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। और वो चीजें क्या बतानी थी मुझे, कल अगर आप याद दिला देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपने मुझे याद दिलाना है कि जब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो और शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा हो और शेयर डिस्काउंट भी बढ़ रहा हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है। ऑल्दो कि मैं लास्ट क्लास में प्रीमियम का बढ़ना बता चुका हूं कि वो शेयर कैपिटल के साथ नहीं बोलना, आपके नहीं बोलने का मतलब है आपको याद नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। कल मुझे याद दिला दीजिएगा कि शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तो क्या इनका आपस में लिंक है? जी हाँ बिल्कुल है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, शेयर डिस्काउंट भी बढ़ रहा है, क्या इनका आपस में लिंक है? जी हाँ बिल्कुल है। और जब शेयर प्रीमियम कम हो रहा हो या शेयर डिस्काउंट कम हो रहा हो, चाहे शेयर कैपिटल बढ़े या ना बढ़े, इसके बारे में भी मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अभी एक सवाल आपको निकलवा रहा हूँ, सवाल निकालें, चंद चीजें वेरीफाई करें और फिर ऑफ करते हैं क्लास।
ये है जनाब पेज नंबर 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप सवाल पे आ गए तीनों जी सर यस सर मेरा रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 बताइए सबसे पहला काम रिक्वायर्ड को छोड़ दीजिए अगर रिक्वायर्ड की बात करती हैं तो पहले आप रिक्वायर्ड बी कर लीजिएगा सबसे पहले क्या कर लीजिएगा रिक्वायर्ड बी और उसके बाद आपने फंड स्टेटमेंट बनाना है अब चाहे फंड स्टेटमेंट बनाना हो चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत सारी कंप्यूटेशन आपने करनी है मुझे आप तरीके से सीक्वेंस में बताएं कि अब आप सबसे पहले कंप्यूटेशन किस चीज की करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि इसकी कंप्यूटेशन होनी चाहिए पहले अकाउंट में आएंगे मशीनरी का क्योंकि मशीनरी के अकाउंट में नजर आ रहा है और नीचे मशीनरी को बेचने का जिक्र भी नजर आ रहा है इसलिए मशीनरी का टी अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का टी अकाउंट बनाने के लिए मशीनरी का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस पता है और मशीनरी हमारे पास कितने रुपए की चली गई क्या ये बताया हुआ है 18,000 की चली गई वेरी गुड इसके बाद फिर क्या करोगी सोच समझ के बोलो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट मैंने तुम्हारी बात मान ली कि तुम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओगी अब उसमें क्या क्या लिखोगी बोलो ये लो मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन भी ले आता हूं एंडिंग और ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस लिख दिया उसके बाद क्या करोगी अब बोलो उसके बाद हम कंप्यूटेशन कर देंगे इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट मत बनाओ ना जब तुम्हें कंप्यूटेशन करनी है पहले तुम क्या कर लो कंप्यूटेशन फॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन यस कंप्यूटेशन फॉर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रही है ना स्क्रीन तो जरा बोलना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा बिस्मा शाबाश मेरा बेटा पांच हजार नहीं मेरा बेटा इत्मीनान से देखो मशीनरी कितने की है और कितने में बेची और कितनी उसकी 18,000 की थी वो 17,000 में बेच दी नहीं 17,000 तो सेलिंग प्राइस है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेलिंग प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है देखो ना ये वैल्यू नहीं पता हमें तो हमें क्या क्या पता होनी चाहिए बोलो बुक वैल्यू पता होनी चाहिए और मशीन की कॉस्ट तो मशीन की कॉस्ट में से बुक वैल्यू को क्या कर दे मेरा बेटा लेस तो कीजिए ना आपने यहाँ लिख दिए मेरा बच्चा सही है इस जगह ओपनिंग यहाँ आ गया एंडिंग यहाँ आ गया 1500 यहाँ लिख दिए तो क्या पता चल जाएगा मेरा बेटा आपको इसके बाद अगली कंप्यूटेशन कोई भी बोले लेकिन सोच समझ के बोले नेट इनकम अच्छा रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट ओके रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना देंगे और बताएं फिर और कोई कंप्यूटेशन है सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में गेन और लॉस कंप्यूटेशन गेन और लॉस मशीन गेन और लॉस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गेन और लॉस निकालें उसके बाद और कोई कंप्यूटेशन उसके बाद फंड स्टेटमेंट बस फंड स्टेटमेंट बनाएंगे जरा बस दो तीन चीजें और देख लो फिर खत्म हो रहा है सवाल मशीनरी के बाद जरा ऊपर जाओ और देखना लैंड कितने की है 65,000 कितने की थी 55,000 की थोड़ी थी 65,000 की थी और अब है 55,000 इस बात की गारंटी है कि लैंड हमने
बेचती होगी। कितने की लैंड बेच दी? 10,000 की। कितने में बेच दी? नहीं पता। ये तो बोलो ना, पता है तुम्हें? नहीं पता। 10,000। बस यही जवाब है। जब 10,000 से जमीन कम हो रही है और सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, तो यही फर्ज करेंगे कि 10,000 की जमीन 10,000 में बेच दी। कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ? संभाल लोगी? संभाल लोगी तुम तीनों? यस सर। अपना नाम पढ़ना लैंड के बाद। पेटेंट्स। 20,000 से, सॉरी 17,000 से हो गए 20,000 पेटेंट्स में हो रहा है इजाफा। पेटेंट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब है हमने पेटेंट्स को क्या किया होगा? कम कर दिया होगा। नहीं, कम कर दिया, परचेज किया होगा, खरीदा होगा। तो परचेज ऑफ पेटेंट्स कहाँ लिखोगी आप लोग? यूजेस ऑफ फंड में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद और नीचे नामों पे आओ और बताओ आप कौन सा नाम पढ़ोगी? बॉन्ड। वेरी गुड। और क्या लिखोगी इसके बारे में और कहाँ लिखोगी? यूजेस ऑफ फंड में लिखी। यूजेस ऑफ फंड में कितना? 80,000। 80,000। ओके। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, बस ये आखिरी बात है, इसके बाद खत्म कर रहा हूँ। बोलो। सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे कितना? 80,000। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सब बच्चे, तीनों बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सही है? 55,000। अब सुनो तो सही ना पठान भाई, आप मेरा साथ देंगे भरपूर, सही है? मैं जो बात आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हो रहा हो इजाफा और प्रीमियम में भी हो रहा हो इजाफा, तो उसका ट्रीटमेंट मैं बताने लगा हूं। और ये बताते बताते मैं ये भी बता दूंगा अल्लाह के हुक्म से कि जब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हो रहा हो इजाफा और ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट में भी हो रहा हो इजाफा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अच्छा सर, इजाफा इजाफा ही बताएंगे आप? अगर प्रीमियम कम हो रहा हो तो उसका शेयर कैपिटल के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर शेयर डिस्काउंट कम हो रहा हो उसका शेयर कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कह रहा हूं एक बार, चाहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। शेयर कैपिटल बढ़ रहा हो और प्रीमियम भी बढ़ रहा हो तो इनका ताल्लुक यह है कि दोनों आपस में ऐड होते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो रट्टाफिकेशन है, आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। मुझे सोच समझ के बताएं, शेयर कैपिटल हमेशा कौन सी अमाउंट से बढ़ता है? बिल्कुल सही, दो लोगों की आवाज मुझे समझ आई। एमन खामोश है सर, मैंने बोला यार आवाज नहीं आई ना मुझे, मेरा क्या कसूर है? मुझे बिस्मा और ऋषा की आवाज आई है, तुम्हारी नहीं आई, बोल दो आप। पार वैल्यू से। वेरी गुड, पार वैल्यू से बढ़ता है। इसका मतलब है अगर मैंने एमन 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में भी दिया होगा तो मेरा शेयर कैपिटल तो कितने से बढ़ा होगा? 10 रुपए से। 10 रुपए। वेरी गुड। आज शेयर कैपिटल कितने रुपए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सबको? बोलो। 80,000। यानी मैंने 80, यानी मैंने जो शेयर आज लोगों को दिए हैं वो पार वैल्यू के हिसाब से कितने के बनते हैं? 80,000। अब कितनी पॉसिबिलिटी है? सुनो, अब पॉसिबिलिटी है तीन। मैंने 80,000 के शेयर अगर 80,000 में दिए होंगे तो ना शेयर प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा, ना शेयर डिस्काउंट कम बढ़ता हुआ नजर आएगा। बढ़ता हुआ कम नहीं, बढ़ता हुआ। जब तुम डिस्काउंट पे शेयर देती हो ना तो डिस्काउंट में होता है। हाँ, जब तुम प्रीमियम पे शेयर देती हो तो प्रीमियम में भी होता है इजाफा। तो अगर तुम्हारे 80,000 से शेयर कैपिटल बढ़ा और तुम्हारा प्रीमियम भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा डिस्काउंट भी बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो तुम फतवा लगा दोगी कि 80,000 के शेयर दिए भी आवाम को 80,000 में। 80,000 में। अच्छा, और अगर प्रीमियम क्या होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि सवाल में भी वाकई में नजर आ रहा है, क्या होता हुआ? बढ़ता हुआ। तो याद करो, जब 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में देते थे, 10 वाला शेयर 12 रुपए में देते थे, तो एंट्री बनाते थे बैंक डेबिट 12 रुपए से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए से और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट करते थे। याद आया? यस जी सर। नहीं आया तो पूछ लो यार ईमानदारी से।
इसका मतलब है जब किसी को सर शेयर, जब 10 रुपए वाला शेयर 12 में दिया जाए तो प्रीमियम में भी होता है। इजाफा इजाफा इसका मतलब है अगर हम कैश का एक्चुअल फ्लो जानना चाहते हैं, इसका मतलब है अगर हम कैश का एक्चुअल फ्लो जानना चाहते तो हैं। शेयर कैपिटल की बढ़ने वाली अमाउंट में प्रीमियम की बढ़ने वाली अमाउंट को ऐड कर देंगे, कर ऐड देंगे, कर ऐड देंगे। करेंगे। सिंपल, याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। रट्टा यस सर, तो नहीं लगाया ना हमने, यस सर, फिर कल दोबारा भूल जाना और कोई नई लॉजिक दे देना, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा, मसला थोड़ी है। जैसे गेन, गेन कितना अच्छा याद रखा मेरे बच्चों ने, है ना। चलो वापस आओ, अब डिस्काउंट पे बात करेंगे मेरा बेटा जी। शेयर कैपिटल में अब 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में दिया ऋषा, कैश डेबिट 8 रुपए हुआ होगा, यस सर, शेयर डिस्काउंट डेबिट 2 रुपए हुआ होगा, यस सर, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो बड़ा होगा पूरे। 10 रुपए से, अब अगर मैं जानना दस चाहता रुपए हूं कि एक्चुअल कैश कितना आया, तो मैं क्या करूं, शेयर कैपिटल की बढ़ती हुई अमाउंट में से शेयर डिस्काउंट की बढ़ती हुई अमाउंट को लेस कर दो, ऐड ऐड कर दें। बिस्मा सोच लो, शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा, 10 रुपए से, डिस्काउंट कितने से बढ़ा, 2 रुपए से, दो तो क्या रुपए से, ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास 12 रुपए कैश आया मेरा बेटा। नो सर, लेस कर दो, डिस्काउंट, डिस्काउंट में तो पैसे आते हैं कम कम, तो इसका मतलब है मैं शेयर कैपिटल की बढ़ती हुई अमाउंट में से शेयर डिस्काउंट की बढ़ती हुई अमाउंट को करूंगा कम। माइनस, और शेयर कैपिटल की बढ़ती हुई अमाउंट में से शेयर प्रीमियम को हमेशा करेंगे एड ऐड। एड याद रहेगा, अगर यस सर, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा समझा सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से, आप बस सिर्फ एक दफा बोल के देखें। शेयर कैपिटल देखो यूं समझ लो, 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में दे रही हो तो कैश कितना आया होगा, 12 रुपए, 12 रुपए, लेकिन मेरा बेटा शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ होगा, 10 रुपए से, दस रुपए दस से रुपए तो से 2 रुपए क्या रिकॉर्ड किया होगा, प्रीमियम, प्रीमियम 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 किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ होगा, प्रीमियम क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड की पे, नेचर, शेयर होल्डर शेयरहोल्डर इक्विटी, इक्विटी, शेयर होल्डर प्रीमियम इक्विटी, क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है यानी शेयर होल्डर इक्विटी में हो रहा है, इजाफा इजाफा, शेयर, इजाफा, शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है, लेकिन शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 10 रुपए से और शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है 2 रुपए से, दो रुपए से बेटा। इसका मतलब है अगर मैं दोनों को क्या कर लूं, एड 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 तो मुझे एक्चुअल कैश शेयर इशू करने से जो आया पता चल चल जाएगा, जाएगा, चल अभी भी जाएगा, समझ नहीं आया। आ गया आ गया सर, अब डिस्काउंट वाली बोल दूं जल्दी से, मैंने 10 रुपए वाला यस सर, शेयर नौ यस रुपए सर, में इशू किया, मेरे पास कैश कितना आया। 9 रुपए, 9 रुपए, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट सम्राट, ज्यादा नहीं। अच्छा 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में इशू किया, कैश आया 9 रुपए, और ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट में आया कितने रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट की नेचर एसेट, इनटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, याद आया या नहीं, होता जी सर, यह नुकसान है लेकिन हम इसे फौरन नुकसान नहीं नहीं बोलते, नहीं नहीं जैसे कहते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी को बनाने के खर्चे, लेकिन उन्हें फौरन खर्चा नहीं कहते, नहीं हर कहते, साल रहते इनको थोड़ा थोड़ा खर्चा बनाते जाते हैं, याद आया, हैं, याद आया। यस सर, तो मेरा बेटा अगर डिस्काउंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है हमने 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में नहीं बेचा, नहीं दिया, नहीं, क्या एंट्री बनाई थी मैंने, कैश डेबिट 9 रुपए, ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट 1 रुपए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो दस अब अगर मैं रुपए जानना चाहता हूं कि कितना कैश आया, तो शेयर कैपिटल की बढ़ती हुई अमाउंट में से शेयर डिस्काउंट की बढ़ती हुई अमाउंट को लेस लेस कर करेंगे, देंगे। लेस करेंगे, क्या अभी भी समझ नहीं आया, तो अब मैं दोबारा नहीं आगे समझा, सर, रिवाइंड आगे सर, लेक्चर देख लेना शराफत से, तुम तीनों समझ आई। अच्छा
तो मेरा बेटा यस आप सर। देख के बताओ शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है। आप सवाल पे आ जाओ, बस खत्म करते हैं। 80,000 से अस्सी और क्या हजार कोई, तक क्या कोई शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट अकाउंट है? यस सर, अगर नहीं यस सर। होता, अगर नहीं होता तो हम कहते शेयर 80,000 रुपए में ही दिए होंगे लोगों को, और 80,000 रुपए ही पार वैल्यू आए लिए होंगे। होंगे। यस आए होंगे। लेकिन आज शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है, और उसमें नजर भी आ रहा है कि हो रहा है इजाफा इजाफा। इजाफा इसका मतलब है हमने 80,000 के शेयर 80,000 रुपए में नहीं दिए, नहीं नहीं बेचे, दिए, बल्कि तो ज्यादा में ज्यादा में दिए, बेचे, ज्यादा बताओ मेरे में को दिए। कौन सी करोड़ों की एटी कंपनी। थ्री 83,000, 3,000 से प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका मतलब है 83,000 में हमने शेयर दिए होंगे। बताओ ईमानदारी से, यहां तक क्लियर है? बेचे दिए हैं। यस सर, यस सर, अब यस सर। सुनना, बस आखिरी बात है, तुम लोग बोलोगे इतना बोल के आखिरी बात पका दिया सर ने। अबे भाई 83,000 रुपीज, इसका मतलब है हमारे पास आए। लेकिन क्या ये जरूरी होता है कि जितने से हमारा शेयर कैपिटल और प्रीमियम बढ़ा उतने रुपए हमारे पास आए हों? हो सकता है हमने ये शेयर आम आवाम को दिए हो, नहीं दिए 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 हों या फिर नहीं दिए हों। अगर नहीं दिए होंगे तो फिर किसको दिए होंगे शेयर? शेयर कैपिटल बढ़ तो रहा है ना, अगर आम आवाम को, अगर आम आवाम को नहीं दिए तो फिर किसको दिए? शेयर शेयर होल्डर्स होल्डर्स को, को, उन शेयर होल्डर्स को जो पहले से थे कंपनी के, तो मालिक मालिक उन्हें किस तौर पर दिए? डिविडेंड डिविडेंड के तौर पर स्टॉक डिविडेंड के तौर पर। डिविडेंड कितने तरह का होता है? दो एक दो कैश तरह का डिविडेंड जो कैश की शक्ल में दिया जाता है, और दूसरा स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक आज डिविडेंड आज कितने रुपए स्टॉक डिविडेंड दिया था देख के बताओ। 25,000 सब बच्चे 83,000 25,000 रुपीज में से 25,000 को कर देंगे माइनस माइनस कितना जवाब आया प्यारे बच्चों? 58,000 ये है इश्यूएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एट प्रीमियम। नहीं समझ आया क्या है ये आगे इश्यूएंस ऑफ और नए शेयर्स का ऑर्डिनरी एट शेयर। प्रीमियम। इसके अलावा अब अगर आप सवाल में जाके देखें तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो चुका है, प्रीमियम भी हमने बातों बातों में पढ़ लिया, रिटेन अर्निंग लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिटेन अर्निंग से तो नेट प्रॉफिट निकाला है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट हम सो गए बना चुके हैं। बना चुके हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग इतनी रात तक आकर पढ़ लिया आपने, आपकी मेहरबानी। मसला ये कि वो बच्चों ने अचानक जो है वो उस पे जाने का